हेलो गाइस, दिस इज सुरेन कुमार अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। गाइस, ये करंट अफेयर के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जामों में ज़रूर इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइस, इन टॉपिक्स के बारे में वन बाई वन बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। गाइस, पेगासस स्पाईवेयर है, इसे इज़राइल की NSO कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर गाइस हम बात करें आपके स्पाईवेयर के बारे में, तो ये क्या है, जासूसी करने वाले एक सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका पर्पस जासूसी करने के लिए किया जाता है। गाइस, अगर हम बात करें इनके एंटर करने की, तो गाइस ये किसी भी तरीके से क्या करते हैं, किसी भी स्मार्टफोन या लैपटॉप के अंदर क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में वहाँ से जो सूचनाएँ होती हैं वो दूसरे सिस्टम या हम कहें आपके पास में जो स्मार्टफोन है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, पहुँचाते हैं। गाइस, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी तरह का कोई मैसेज या कोई वीडियो अगर सेंड करते हैं तो उनके थ्रू ये क्या करते हैं, आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप में एंटर करते हैं और फिर वहाँ से जो ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं उनको चुरा करके दूसरी जगह उसको भेज देते हैं। तो गाइस, जब भी आप किसी वीडियो या मैसेज को व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करते हैं तो ये पता कर लें कि किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की आपके साथ में कोई धोखाधड़ी ये सब ना हो। गाइस, इंडिया में भी इस तरह की जो घटना है या इस तरह के जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। और फेसबुक ने क्या किया है, NSO ग्रुप के खिलाफ में कैलिफोर्निया के कोर्ट में क्या किया है, एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो ये गाइस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस, बात करेंगे हम प्रोजेक्ट सोली के बारे में। गाइस, प्रोजेक्ट सोली है वो गूगल का एक प्रोजेक्ट है। अगर हम सोली के बारे में बात करें तो सोली क्या है, आपके पास में एक रडार चिप होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट सोली का इस्तेमाल क्यों किया गया है गाइस, जो अगर हम बात करें पिक्सल 4 के बारे में, तो ये स्मार्टफोन होते हैं, पिक्सल 4 गूगल की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और ये पिक्सल 4 के अंदर क्या होता है, ये हाई स्पीड होते हैं सेंसर फोन होते हैं, यानी बहुत ही जो सूक्ष्म सेंस होते हैं और कितनी भी स्पीड के हों उनका ये पता लगा लेते हैं, ठीक है गाइस। अगर हम बात करें इनके वर्क की, तो ये गाइस अगर हम बात करें तो रेडियो जो फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ के लगभग HZ के बाहर ये क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो विदेशी जो कंपनियां होती हैं तो उनको यहाँ पे इतने 60 रेडियो हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है या उस पर वर्क करने की जो परमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है, ट्राई की तरफ से नहीं है। तो इस वजह से ही आपके पास में जो गूगल है उसने पिक्सल 4 जो स्मार्टफोन है वो हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं किया है। तो याद रख लेंगे आप अबाउट द सोली और इस प्रोजेक्ट के बारे में, गूगल का प्रोजेक्ट है, सोली क्या है, एक रडार चिप है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, थर्ड टॉपिक है गाइज हमारा विज्ञान ज्योति योजना के बारे में। गाइज, विज्ञान ज्योति योजना की अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम बात करें आपके पास में विज्ञान के बारे में, तो 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 28 जनवरी को ही हमारे राष्ट्रपति महोदय ने विज्ञान ज्योति योजना की शुभारंभ की थी, योजना को शुरू किया था। गाइज, विशेष तौर पे ये योजना है क्या, तो गाइज ये योजना साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में जो लड़कियों के साथ में किसी तरह का जो भेदभाव होता है, क्योंकि हाई स्कूल पास करने के बाद में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जा पाती हैं। तो इसी के लिए कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर में कम्पीट करें और ये जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी जो भावना है उसको पूरा किया जा सके, यानी कि लड़का और लड़की का जो भेद है साइंस के क्षेत्र में ख़त्म किया जा सके, इसी के लिए ये योजना लेके आई गई है। गाइस, इस योजना का जो मकसद है आपके पास ये क्या है आपके, ठीक है, 2025 तक, 2020 से लेकर के 2025 तक क्या होगा, 500 ऐसे जिले जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पे जो हाई स्कूल पास गर्ल्स हैं, ठीक है, मेरिट के बेस पे उनका चयन किया जाएगा और 2025 तक इस तरह की 100 जो लड़कियाँ हैं उनको IITs, NITs और अदर जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जितने भी क्षेत्र हैं या कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें दाखिला दिलाने के लिए काम किया जाएगा। तो ये गाइस विज्ञान ज्योति योजना के बारे में था। गाइस, फोर्थ हमारा टॉपिक है SCFC 141B, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B के बारे में। गाइस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग
जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांसेज होते हैं, यानी ओजोन को क्षरण करने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से ही ये वर्क कर रहा है। भारत सरकार ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को 1 जनवरी 2020 तक पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने की बात की गई है। साथ ही साथ इसके SCFC 142B को भी ख़त्म करने की बात की गई है। तो ये क्या है, काफ़ी हम का ओजोन को क्षरण करने वाले पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनको चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारी भारत सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि इसको 1 जनवरी 2020 तक ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से। तो भाई ये 4 टॉपिक थे मेन जो करंट अफेयर्स के थे, आप इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। किसी भी तरह की आपको और ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि मैं वीडियो में से ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, मेरी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, फिर भी अगर किसी तरह की आपको क्वेरी है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात करें मुझसे। चलिए गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।